गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों आप लोग आज हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में आज आप लोग चंद्रबिंदु के अभ्यास को करेंगे, चंद्रबिंदु का मात्रा का अभ्यास करेंगे। तो देखिए यह पहला क्वेश्चन है आपका, चित्र पहचान कर नाम लिखो। चित्र पहचानना है और उसके नाम को लिखना है। तो ये किस चीज का चित्र है? अंगूठी। तो आपको यहाँ पे लिखना है अंगूठी। आ गा गा पे बड़ी उ की मात्रा, ठा ठा पे बड़ी की मात्रा और आपे चंद्रबिंदु। तो ये क्या हो गया? अंगूठी। नेक्स्ट है आपका चित्र तांगा। क्या है? तांगा। तो ये ता तापे आ की मात्रा, गा गा पे आ की मात्रा और तापे चंद्रबिंदु। तो ये बन गया, लिख क्या हो गया? तांगा। ये क्या है? चांद। तो इसको कैसे लिखना है? च चाप्या की मात्रा, द और चापे चंद्रबिंदु। तो ये हो गया चांद। अब ये किस चीज का फिगर है? ऊंट। तो बड़ा ऊ से ऊंट पर चंद्रबिंदु और ट, ये हो गया ऊंट। नेक्स्ट है आपका, कोष्टक में से सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरो। ये जो दिए हुए हैं इनमें से आपको जो सही होगा उसको भरना है। तो देखिए पहला क्या है? आई चारों ओर धूल छा गई। तो क्या आई? दांतों आई चारों ओर धूल छा गई या आंधी आई चारों ओर धूल छा गई? तो क्या भरना है आपको? आंधी। आंधी आई चारों ओर धूल छा गई। तो देखिए आ आपे आ की मात्रा, ऊपर चंद्रबिंदु, ध से धनुष, बड़ी की मात्रा। आंधी आई चारों ओर धूल छा गई को सदा साफ रखना चाहिए। किस चीज को? दांतों को या मिट्टी को? तो दांतों को सदा साफ रखना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या फील करना है? द तापे आ की मात्रा, चंद्रबिंदु, ता तपे ओ की मात्रा और ये बिंदी चंद दांत अंक की मात्रा। दांतों को सदा साफ रखना चाहिए। रात में काजल लगाना चाहिए। कहाँ लगाना चाहिए? आंधी या आंखों में? तो कहाँ लगाना चाहिए? आंखों में। तो यहाँ आपको क्या फील करना है? आंखों में। अपे आ की मात्रा, ऊपर चंद्रबिंदु, खा खापे ओ की मात्रा और अंक की मात्रा। रात में आंखों में काजल लगाना चाहिए। नेक्स्ट है, एक विषैला जीव होता है, क्या? सांप या हिरण? तो सांप एक विषैला जीव होता है। तो यहाँ पे आपको क्या फील करना है? सप्या की मात्रा सा, चंद्रबिंदु, प, सांप एक विषैला जीव है। आज देर से निकला, क्या निकला? बादल या चांद? आज चांद देर से निकला। तो आपको यहाँ पे क्या फील करना है? चांद। चा चप्या की मात्रा, ऊपर चंद्रबिंदु और द, ये हो गया आज चांद देर से निकला है। नेक्स्ट है आपका, सही स्थान पर चंद्रबिंदु लगाकर शब्द पूरे करो। अब इसमें आपको चंद्रबिंदु लगाना है और इसको लिखना है। देखिए आंख आपे आंखी मात्रा है, ऊपर चंद्रबिंदु आपे लगा है। तो इसी तरह से अब ये दांत, दांत लिखा हुआ है तो दांत द दपे आंखी मात्रा, ऊपर चंद्रबिंदु लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? दांत। ये है मुंह, इसको क्या पढ़ेंगे अभी? मुंह। और जब चंद्रबिंदु लग जाएगा तो क्या पढ़ेंगे? मुंह। तो ये माँ, माँ पे छोटा ऊ की मात्रा, उसके ऊपर चंद्रबिंदु और हा, ये हो गया मुंह। ये है आंगन, आंगन है। अब ये हम लोग चंद्रबिंदु लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? आंगन। तो देखिए आ पे आ की मात्रा, ऊपर चंद्रबिंदु, ग और न, आंगन, ये हो गया आंगन। ये अंगूठा, इस पे चंद्रबिंदु लगेगा तो क्या बन जाएगा? अंगूठा। तो आ के ऊपर चंद्रबिंदु, गा पे बड़ा की मात्रा, ठा पे आ की मात्रा, अंगूठा। यह है ऊंट, तो ऊ पे चंद्रबिंदु और ट, ऊंट। अब यह कुआ, कुआ। अब इसमें हम लोग आपे चंद्रबिंदु लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? कुआ। का पे छोटा ऊ की मात्रा, आपे आ की मात्रा और आपे चंद्रबिंदु, तो क्या बन गया? कुआ। यह है काटा, अब इस पे चंद्रबिंदु लगेगा तो क्या बन जाएगा? कांटा। क कप्या की मात्रा, ट टप्या की मात्रा और कपे चंद्रबिंदु, तो क्या बन गया? कांटा। यह है खांसी, खांसी है, चंद्रबिंदु लगेगा तो क्या बन जाएगा? खांसी। ख खप्या की मात्रा, ऊपर चंद्रबिंदु, स छोट बड़ी की मात्रा, क्या बन गया? खांसी। नेक्स्ट है आपका क्या? सुलेख लिखो। ऊँटों का कारवां जा रहा है। मंगला हसमुख लड़की है, इसी को देखकर आपको यहाँ पे इसको लिखना है इस तरह से। ऊंटों का कार वपेया की मात्रा, चंद्रबिंदु, जा
रहा है, खड़ी पाई यानी कि पूर्ण विराम। यह है मंगला मापेयंग चंद्रबिंदु ग ल, मंगला हा समुख हसमुख लड़की है, पूर्ण विराम। इसी तरह से आपको अपने बुक में इसको फिल करना है। थैंक्स।